हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ज़्यादा दिनों बाद, मतलब लगभग लगभग 4 महीने के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जितेंद्र पवन ऑटो लाइन में। और थोड़ी क्या पारिवारिक दिक्कत है या कुछ, मतलब पापा जी कैंसर, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो बना नहीं पाया। तो आज हम फिर से थोड़ा खुद को थोड़ा खड़ा करके अपने पैरों पर दोबारा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ है स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि अभी मॉडल है VXI हमारे साथ अभी। तो अब इसमें कुछ ऐसा है कि जो आपको जो डायमेंशन है वो बहुत देखी होगी आप लोगों ने, फिर भी मैं आपको दोबारा बता ही देता हूँ। जिसकी ऊंचाई है वो आपको 1515 mm की मिल जाती है। लंबाई आपको इसमें, ये सब 4 मीटर है, 3995 mm की लंबाई मिल जाती है और 1735 mm की यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई। जो तो व्हील बेस है वो इस टायर से लेके उस टायर तक ये 2450 mm का मिल जाता है। ठीक ठाक इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 160 mm का। और जो ORVM है वो बॉडी गार्ड मिल जाते हैं विथ इंडिकेटर, और ये आपके पावर वाले हैं। और इसमें जो सेप है ये आपको थोड़ी जान पहचाने लगती है। और इससे कुछ इसकी छोटी बहन मिलती रहती है आपको, स्विफ्ट स्विफ्ट है वो मिल जाती है। ये तो डिज़ायर है। खैर इसमें जो ग्रिल है VXI की वजह से इसमें कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रोम का काम नहीं है, ब्लैक ही इसके अंदर आपको ये पूरी सामने ग्रिल मिलती है। इसमें ये पूरा प्लास्टिक का है काम, ये देखिए लोगों द्वारा इसमें क्रोम का दिया है, क्योंकि भाई कंपनी है, अपना नाम तो थोड़ा क्या चमका के रखेगी। फॉग लैंप यूनिट नहीं मिलती है इसमें। जो आपको हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है इसमें आपको, ये आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। और इसमें आपको इंडिकेटर यूनिट मिल जाती है, जो कि फिर अगेन आपका हेलोजन वाला है। यहाँ पे आपको टोइंग हुक की असेंबली यहाँ को देखने मिल जाती है, वाइपर है मैनुअल, बॉडी क्लड आपको इसमें मिल जाती है, डोर हैंडल मिल जाते हैं, एक पीछे आपको एक एंटीना मिल जाता है, पावर एंटीना। और इसकी बात करें पीछे से, ये इसका फ्यूल टैंक है, पेट्रोल वर्जन है, ये आपको मिल जाता है 37 लीटर का। बूट इसमें इसमें आपको मिल जाता है 378 लीटर का। पीछे आपको ये पूरा क्रोम के से देखने को मिल जाती है, 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। जो पीछे स्लाइट है वो काफ़ी सुंदर सी लग रही है। और इसका आप, ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है इसका, तो अभी चलते हैं इसके अंदर एक बार। रिक्वेस्ट सेंसर आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, और चूंकि ये आपकी VXI है तो इसमें आपको टच स्क्रीन पैनल भी देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल है। गेट खोलते ही आपको पीच कलर का इसमें कुछ इंटीरियर देखने को मिल जाता है विद ब्लैक, ये पूरा हार्ड है। यहाँ पे सॉफ्ट टच फैब्रिक का है, ये भी पूरा हार्ड है। 4 पावर विंडो के सेट मिल जाती हैं, ORVM को मिल जाता है, एक क्रोम कलर्ड आपको मिल जाता है डोर हैंडल पीच, ये 6-way एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है रिक्लाइन के समेत। और इसका स्टीयरिंग कुछ ऐसा है, इसमें आपको बहुत ही मिनिमम कंट्रोल मिलते हैं, सिर्फ ये कि वॉल्यूम अप डाउन का मोड चेंज करने का, ये कॉल पिकअप और ये ब्लूटूथ का मिल जाता है। ये आपको लेदर प्रेप स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं यहीं पर, ये बिना आपको टच स्क्रीन का, एक 2D का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है। ये यूनिट आपके मैनुअल है, तो ये USB चार्जर, एक बॉक्स मिल जाता है, एक बार वाटर प्रूफ मिल जाता है। ये यहाँ पे आपको थोड़ी जगह मिल जाती है कुछ रखने के लिए। ये 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स है इसका, इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है। पीच कलर इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा सुंदर सा लग रहा है, इसमें वुडन थोड़ी इसमें आपको डिप ये मिलता है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ये AC वेंट मिल जाते हैं, और ये यहाँ पे आपको स्पीकर ट्विटर मिल जाते हैं, ये आपको ये वॉइस कंट्रोल भी मिल जाते हैं इसके अंदर। ये जो सनवाइज़र है इसमें आपको यहाँ पे एक तरफ मिरर मिल जाते हैं। ORVM है, ये आपका मैनुअल एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक नहीं है। और आपको ये यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं 4, इसका कुछ ऐसा आपको इसमें मिल जाता है। आपको ये डैशबोर्ड जो इसमें काफ़ी आगे तक काफ़ी जगह है, और यहीं पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का मिल जाता है। और यहाँ पे इसमें जो पैडल है ये कुछ ऐसे हैं, थोड़ा पूरा मतलब अलग ही दिए हुए हैं। और इसमें आपको 1197 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपको निकाल के देता है 23-24 तक का एवरेज निकाल के दे देता है। डोर काफ़ी सॉफ्ट ओपन और सॉफ्ट क्लोज है। अगेन यहाँ पे इसमें आपको ये सीट है आपकी सोफट है, बेस्ट टाइप सीट मिल जाती है, ठीक है। जो कि अगर यहाँ से है ना, ये देखिए यहाँ से आप इस सीट को नीचे तरफ कर दें। इसमें VXI इसमें एक अच्छी चीज़, इसमें आपको 4 जो हेडरेस्ट है तो वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, सीट काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है, लेग रूम अच्छा मिल जाता है। इसमें पीछे भी आपको AC वेंट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है अलग से। यहाँ पे देखिए मैं आराम से बैठा हूँ, कितना ज़्यादा लेग रूम है पता नहीं, ये अच्छी तरह सेट नहीं है, फिर भी आराम से इसमें
लेग रूम है अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिलता है इस गाड़ी का, पूरा पीस में आपका इंटीरियर मिल जाता है, रीडिंग लैम्प आगे पीछे दोनों तरफ मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं सॉफ्ट, एक ही ड्राइवर साइड में मिलता है ही नहीं, ठीक है। तो बूट स्पेस आपको बता दीजिए 378 लीटर का मिल जाता है इसमें, और ये आपकी ऑन रोड पड़ जाती है इसमें जो 7 लाख से लेके आपके 11 लाख तक की ऑन रोड पड़ जाती है। और जो ये इंजन है, ये इंजन आपको प्रोवाइड कर देता है 76 BHP से 88 BHP तक, जो कि और 118-113 NM का टॉर्क दे देता है, जो कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है। और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर आपको पता ही भाई एवरेज नहीं दे पाएगा ये, तो अभी आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाएंगे, अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टेल गेट है ये, एक बार सेंसर मिल जाता है कि यहाँ पर तो ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, बहुत दिन के बाद है, थोड़ा हिचकिचाहट है अभी, ये खुल जाएगी जल्दी, एक दो वीडियो और बनाएंगे तो। और यहाँ पे भाई साहब जो गाड़ी जमा की जाती है एक्सचेंज में, वो भी यहाँ पे बिकती है, ठीक है। ये 4 गाड़ियाँ भी खड़ी है, बाकी जा चुकी है, किसी को लेनी हो तो कॉल कर लेना, ठीक है दोस्तों, ओके।